हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज है क्लास 19। क्लासेस थोड़ी कंटिन्यू है, इसीलिए आप मुझे बिल्कुल मत कहिए कि 18 क्लास के बाद अब कोई क्लास नहीं आएगी क्या। मैं मेरे अकॉर्डिंग क्लासेस अपलोड करती रहूँगी, और अगर आप सीख गए हैं डिज़ाइंस तो उनको रिपीट कर लीजिए, न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर लीजिए। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19 क्लास को। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम जो अरेबिक मेहंदी बनाते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे करें। जैसे कई कमेंट्स मुझे आए थे कि हमें अरेबिक मेहंदी बताइए, हम एक डिज़ाइन बनाते हैं तो नेक्स्ट हम नहीं बना पाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम उसके बाद क्या बनाएं। तो उसके लिए पहले हमें स्टार्टिंग सीखनी है कि हम मेहंदी की स्टार्टिंग कैसे करें। अरेबिक की बहुत से तरीके होते हैं, इसलिए मैंने आपको काफ़ी तरीके बता रही हूँ, 5-6 तरीके हैं कि किस तरह से आप मेहंदी को स्टार्ट करें। और बेसिक क्या होता है, अरेबिक में फ्लावर्स और अम्बी बनती है, मोर भी बनता है, पर ज़्यादातर तो फ्लावर्स और अम्बी बनाई जाती है। तो उसी से रिलेटेड एक बार बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जिनको बहुत अच्छी मेहंदी आती है प्लीज़ वो मुझे रिप्लाई ना करें कि हमें ये तो सब आता है, आपको आता है और किसी को नहीं आता है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर और किसी को नहीं आता है तो मैं सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, स्पेशली एक जने के लिए नहीं बनाती हूँ। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप सब किसी को नहीं दे सकती हूँ। सब बोलते हैं अपने नंबर शेयर कर, अपने नंबर कौन देता है यार, मेरे को समझ में नहीं आता। सब नंबर मांगते हैं, और ईमेल आईडी सब मेरे कम्युनिटी टैब में भी रहती है, मेरी ईमेल, मेरी इंस्टाग्राम, मेरी फेसबुक आईडी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहती है। वहाँ जब जाकर आप अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे सेंड कर सकते हैं, मुझे उस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। मैंने सिंपल फ्लावर बनाया, फ्लावर की क्लास आप मेरी देख लीजिएगा, 4th, 5th, 2 से 5 मतलब 2, 3, 4, 5 मेरी जो क्लासेस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं, आज की डिज़ाइन से। तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं बनाना है तो मैंने उसमें एक एक डिज़ाइन को बनाना बताया कि आप किस तरह से बनाएं ताकि आपका परफेक्ट बने। तो ये मैंने सिंपल फ्लावर बनाया है और उसके ऊपर मैंने अम्बी बना दी है, और चारों तरफ वही जो फ्लावर की पत्तियां मैंने नीचे ली है वही मैंने ऊपर अम्बी के ऊपर लिए। आप भी ऐसे ही लीजिए, तभी क्या है थोड़ा मैचिंग टाइप का मेहंदी बनता है। और कई लोग क्या करते हैं, नीचे तो गोल गोल वाली पत्ती बना दी, ऊपर ऐसे दिल दिल वाली बना दी, तो ऐसे भद्दी लगती है, मतलब अच्छी तो लगेगी पर वो ना लुक नहीं आता है अच्छा। तो सेम टू सेम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो चीज़ जब अच्छी लगती है जब आप भरवा हाथ बना रहे हो। पर अरेबिक में एक अगर आपने ले लिया तो उसका मैचिंग का सब होना चाहिए। जैसे मैंने नीचे बनाई है इस तरह की गोल वाली लंबी पत्तियाँ, तो अब मैं ऊपर की तरफ भी बनाऊँगी तो मैं गोल ही बनाऊँगी, तभी वो डिज़ाइन अच्छा लगेगा। शेड कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो, या दो ऐसे पॉइंट करके सीधी सीधी लाइन कर देते हैं। मैंने सब सिखाया कि आप पत्तियों के अंदर किस किस तरह के एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरी एक से लेकर आगे तक की आप क्लास सीख सकते हैं, मैंने हर एक बेसिक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बताई हुई है। और जो मेरे चैनल का पहला वीडियो है ना, उसमें आपको कोन बनाना सिखाया है, मेहंदी का पेस्ट सिखाया है, और ये शीट के बारे में भी मैंने बताया है। तो प्लीज़ वहाँ जाकर उस वीडियो को पूरा देखें। कोई भी चीज़ आप देख रहे हो तो उसको पूरा देखें, ऐसे नहीं आधा देख लो और फिर क्वेश्चन करने लग जाओ। सब चीज़ें बताई जाती हैं। ओके, तो देखिए इसमें भी मैंने अब लंबी लंबी गोल गोल पत्ती बना दी है। अब जैसे नीचे के गोले में मैंने चैक यूज़ किया है, तो इस अम्बी में भी मैं चैक ही यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा मैचिंग हो और अच्छा लगे। तो इस तरह से इन चीज़ों की बारीकियों को ध्यान रख के आप डिज़ाइन बनाएं ताकि आपका डिज़ाइन सुंदर लगे। अब आप अगर इसको भरेंगे ना तो ये खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, तो इससे अच्छा मैं इसको डॉट करूँगी। जब बहुत डार्क मेहंदी चारों तरफ लगी हो तो बीच में एक हल्का डिज़ाइन बनाना चाहिए ताकि वो हल्का डिज़ाइन भी हाईलाइट हो और वो डार्क मेहंदी भी हाईलाइट हो। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन करके मेहंदी बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगती है, और वो फिनिशिंग और क्लियरिटी तभी आती है। जब सब कुछ भरा भरा बना दोगे तो फिनिशिंग ही नहीं आएगी, कुछ हल्का कुछ भरा, इस टाइप का आपको डिज़ाइन बनाना है। और अब ये दो अम्बी वाला डिज़ाइन बनाएंगे हम, एक इधर की तरफ मुँह, एक उधर की तरफ। ये सभी डिज़ाइन आपको स्टार्टिंग में बनाएं। जैसे हम ऊपर से हथेली की तरफ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप ये डिज़ाइन बनाकर फिर इसके ऊपर सेम टू सेम यही डिज़ाइन बना दोगे तो भी आपका अरेबिक डिज़ाइन बन जाएगा। मतलब सिंपल अरेबिक तो इसे ही कहते हैं, और बहुत तरह के अरेबिक्स आती हैं, अलग अलग तरह की आती हैं, इंडो अरेबिक,
कंगन वाली और पता नहीं कौन कौन सी बेंगल वाली, वो सब चीज़ें आपको आगे बताई जाएगी, पर बेसिक से। बीच में दुल्हन नहीं घुसा सकती मैं। अब कई कमेंट्स आते हैं, हमें दुल्हन बनाना सिखाओ, हमें भरवा हाथ बनाना सिखाओ। अगर आपको ये दुल्हन, तो देखो मैंने अभी बनाई नहीं है और ना मैंने अभी सिखाई है। हाँ, आपको भरवा हाथ देखना है तो आप मेरा दूसरा चैनल है आर्ट ऑफ सृष्टि, उसका भी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाके भरवा हाथ मैंने बहुत तरह के बनाए, वहाँ जाके आप देख सकते हो। ओके, तो इस पर तो हम सिखा रहे हैं, तो उसी तरह से क्लासेस चलेंगी। अब जैसे ऊपर वाला डिज़ाइन जो मैंने अभी बनाया ना, उसमें देखो कितना हल्का डिज़ाइन भरा है। ऊपर फ्लावर बना दिया और नीचे इस तरह की पत्तियाँ बना दी थोड़ी डार्क, तो वो बीच वाले जो अम्बी है ना, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है ताकि मेहंदी खूबसूरत लगे, ना कि ऐसा नहीं करना है ना किसी और के लगा के ना खुद के लगा के। लगा करो, काम क्लियर करो, नहीं तो मत करो, ऐसा होना चाहिए। अब जैसे वी शेप से भी आप स्टार्ट कर सकते हो मेहंदी का डिज़ाइन। जैसे वी शेप बनाकर आप नीचे को फ्लावर बना लो। जैसे मैंने तो क्या है, सारी हार्ट शेप वाले यहाँ पे फ्लावर लिए। अगर आप डिफरेंट ले सकते हो, आपको डिफरेंट फ्लावर पसंद है, तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आप किसी का चैनल देख रहे हो वो भी इन्फॉर्मेटिव, तो उसको शुरू से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहले की बातें हम करते रहते हैं और पहले का कुछ कोई दिखता नहीं है और उनसे रिलेटेड के सवाल आ जाते हैं। तो फिर हमें भी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ बता चुके हैं और उसके बाद भी हमसे सवाल किए जा रहे हैं। अब जैसे ऊपर वाले में तो मैंने क्या, अम्बी के ऊपर फ्लावर ले लिया और नीचे यहाँ वी में मैंने अम्बी ले ली। इनको आप मतलब अपोजिट भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ फ्लावर भी ले सकते हो और नीचे की तरफ अम्बी भी बना सकते हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब इसका एक कोना पकड़ लो और सेम टू सेम सभी कोनों पे एक एक पॉइंट कर दो, या लेफ्ट का ऊपर लो, या लेफ्ट का नीचे लो, या राइट का ऊपर या राइट का नीचे, इस तरह का पॉइंट कर सकते हैं, जिससे ये सिंपल डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड बहुत से डिज़ाइन बन जाएंगे, इसी को सेम टू सेम ऊपर से ऊपर चढ़ाते रहो। अब इसी के ऊपर फ्लावर बना के, फिर वी बना के, फिर अम्बी बना दो, तो एक तो सेरेबिक मेहंदी का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है इस चीज़ को करना, बस समझने की ज़रूरत है कि हमें सारी चीज़ें भरी भरी नहीं रखनी है, थोड़ा कुछ खाली खाली भी रखना है ताकि वो हाईलाइट होए। ये लीजिए, फोर्थ डिज़ाइन भी तैयार हो गया। ये सिर्फ स्टार्टिंग है। ओके, आगे जोड़ना भी बताएंगे आपको, काफ़ी तरह के एलिमेंट्स बताएंगे कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं अरेबिक डिज़ाइन में। ओके, इससे भरवा भी, अगर कोई जिनको थोड़ी ठीक मेहंदी आती है वो भरवा भी लगा सकते हैं। अभी बना रही हूँ जैसे टेढ़े मतलब बॉर्डर बनाते हैं टेढ़ा लाइन करके, उससे रिलेटेड ये वाला डिज़ाइन है। जैसे टेढ़ी बॉर्डर बना दी और उसमें इस तरह की ज़िगज़ैग बना के कॉलम बना लेंगे, चेक चेक टाइप बना लेंगे। अब इन सब में एक एक बिंदु कर देंगे, चाहो तो मोटे भी कर सकते हो, पर छोटे करेंगे तो वो अंदर की जो स्किन पे लगाते हैं ना वो भी दिखती है, तभी मेहंदी अच्छी लगती है। और ये वाला डिज़ाइन बनाकर यहाँ मैं फ्लावर बनाऊंगी। यही सेम फ्लावर आप नीचे भी बना सकते हो, मैंने नीचे नहीं बनाया है, पर वो ये ना जैसे अभी स्कूल में पढ़ा देते हैं, तो अगर पढ़ाया वही पढ़ोगे तो उतना ही ज्ञान रहेगा, अगर उसमें थोड़ा और दिमाग लगाओगे, दूसरा चैप्टर भी पढ़ लोगे तो आपका दिमाग ही बढ़ेगा और कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें आप भी और भी काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लावर नीचे भी बना सकते हैं, ये नीचे अम्बी बना सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इसे पॉइंट कर दिया। ओके, और लास्ट है अब ये डिज़ाइन, ये मैंने सीधी लाइन पे लिया है, मतलब बॉर्डर टाइप में लिया है इसको। नीचे को बॉर्डर बना के आप मेहंदी को स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लावर से होती है, अम्बी से होती है, बॉर्डर से होती है, वी शेप बॉर्डर से होती है, चाहे जैसे आप कर सकते हो। अब जैसे ऊपर मैंने बताया ना, अभी ये बना दिया मैंने फ्लावर, यहाँ मैंने अम्बी ले ली, यहाँ फ्लावर भी ले सकते हो। और इस तरह की सारी अम्बियाँ मैंने बनानी बताई है, स्टार्टिंग से आप वीडियो देख सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ मैंने आपको बताई है, जो भी मुझे ज़रूरी लगता है वो सब मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप बेहतर समझ सको और बेहतर सीख सको।
और इस तरह डार्क करें। जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन बनाओ उसको शेड ही करो, उसमें भरो मत, भरोगे तो ये डिज़ाइन समझ में नहीं आएगा। इसको शेड करके साइड में आप अपना कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको पसंद हो, चेक भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इस तरह कर लो। ऊपर नीचे भी हम भी बना सकते हो, ऊपर नीचे फ्लावर भी बना सकते हो। ओके, हमारी ये डिज़ाइन तैयार हो गई है। 6 तरह के मैंने आपको स्टार्टिंग बताइए कि आप स्टार्टिंग कैसे करें अरेबिक मेहंदी की, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर क्लासेस आगे नहीं है तो आप पिछली क्लासेस रिलेटेड डिज़ाइन भी बना सकते हो। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको परफेक्ट मेहंदी आ जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।